हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक बुक की ओवरव्यू के थ्रू गो थ्रू करेंगे ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग को ले सके कि क्या ये बुक आपके लिए है, क्या ये बुक्स हैं या नोट्स हैं, क्या इस बुक को रिफ़र करने के बाद किसी और बुक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई सारी क्वेरीज स्टूडेंट के माइंड में रेगुलर आती है, तो उनके रिक्वेस्ट के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम आपको डिटेल जर्नी के थ्रू लेके जा सकें ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। आप ऑफिसर होंगे तो आपने डिसाइड करना है कि ये आपके लिए राइट डिसीजन है या नहीं है। इसलिए मेरी बस कोशिश यही रहेगी कि मैं इस बुक के थ्रू आपको लेके जाऊं ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्वयं कर सके। बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर आपको हर एक स्टेज पे अपनी डिसीजन मेकिंग खुद लेनी है, ना कि किसी की कही हुई और ना ही किसी की सुनी हुई। तो चलिए, आपकी इस डिसीजन मेकिंग में हम आपको एक जेन्यून सपोर्ट कर सकें, इसलिए हम रेफ़र करेंगे हमारे UPSC कॉमर्स ऑप्शनल की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके पेपर वन का पार्ट है, पार्ट ए का। ठीक है, हमने ऑलरेडी पेपर वन से रिलेटेड सारी बुक का ओवरव्यू कवर अप कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हर एक बुक का ओवरव्यू ले सकते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या हमारा सिलेबस पूरा कवर अप हुआ है या नहीं, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारी सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सबसे पहला जो पॉइंट आप देख सकते हैं, नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम इंडेक्स में देख रहे हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपका कवर अप किया गया है। सेकंड है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो आपका कवर है इंडेक्स में इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके ऑन एन एवरेज आपके 16 पेजेस में कवर अप हुआ है। नेक्स्ट है आपके कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, जो कि रिलेटेड होंगे इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपका कवर अप किया गया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। देन आपका मेथड आता है जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड एक्टिविटी कॉस्टिंग। तो हम देख सकते हैं सेपरेट चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग का और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आपके सिलेबस का पॉइंट है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज अ टूल ऑफ प्राइजिंग। तो हम देख सकते हैं ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज अ टूल ऑफ प्राइजिंग, राइट। उसके बाद आपका इंक्रीमेंटल एनालिसिस डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। नाइन्थ पॉइंट है आपका टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, तो ये भी आपका कवर्ड है टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। तो 50 पेज में है टोटल आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। एंड लास्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एंड हियर इज इंडेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो जो बेसिक प्रॉब्लम रहती है कि अंडर वन रूफ आपको UPSC कॉमर्स ऑप्शनल का कंटेंट नहीं मिलता, आप गूगल करते हैं, समय समय अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और कई बार कंटेंट मिलता है तो उसमें सिर्फ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, एक्सप्लेनेशन और बाकी सारी चीज़ें मिसिंग रहती हैं। तो आपने कम से कम ये देख लिया कि यहाँ पे जो आपके सिलेबस का पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स आपके जो है इस बुक में कवर्ड हैं। अब हम देखने चलेंगे कि क्या वो सारे पॉइंट्स कैसे कवर्ड हैं। तो एक हम क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, एक चैप्टर का। ये हमारे सामने कॉस्ट रिलेटेड चैप्टर हमने खोला है, जिसमें कॉस्ट की मीनिंग सेपरेटली बताई गई है, क्लासिफिकेशन को सेपरेटली हाईलाइट किया गया है, इनकम मेजरमेंट से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है लाइक प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, पीरियड एब्जॉर्ब्ड, अनएब्जॉर्ब्ड, एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट क्या है। फिर नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट प्लानिंग में, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल क्या होता है, फ्यूचर एंड बजटेड कॉस्ट क्या होता है। फिर कंट्रोल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका। फिर डिसीजन मेकिंग में आपके जो कॉस्ट हैं, रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फिर अदर कॉस्ट में आपका मार्जिनल कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट यानी इम्प्यूटेड कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल एक लाइन में हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल्स भी आपको हर जगह पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको जो है एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो देख सकते हैं, आपने पास्ट पेपर का एनालिसिस देखा होगा,
तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके जो हैं गिवन हैं, डायग्राम के थ्रू आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट वगैरह जो है कवर अप किया गया है। तो आप देख सकते हैं, एक तो सिलेबस का जो प्रॉब्लम रहता है कि सिलेबस मेरा कवर अप हो रहा है कि नहीं, क्या वो सारे पॉइंट हमको एक ही जगह पे मिल रहे हैं कि नहीं। तो आपने ये देखा कि सिलेबस के सारे पॉइंट आपकी एक ही बुक में हैं, प्लस प्रेजेंटेशन क्लियर है, आपको एम्पल स्पेस है हेडर में और फुटर में एम्पल स्पेस प्रोवाइडेड है, आप अपने एक्स्ट्रा नोट्स चाहें तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा जो इशू रहता है, स्टूडेंट के मन में क्वेरी रहती है कि क्या ये बुक ऐसा तो नहीं कि सीधे आपका जंप करके यूपीएससी लेवल का या एक्सपर्ट लेवल का दे दिया, आपको बेसिक नहीं समझाया, हमारा बेसिक नहीं क्लियर है या बेसिक का रिवीजन नहीं हुआ है। तो आपने ये देख लिया कि भाई बेसिक से कवर अप है, बेसिक से कवर अप है और नहीं, मैं एक बार और एक चैप्टर के थ्रू आपको कवर अप करा देती हूँ। ये कौन सा चैप्टर हमारे सामने खुला है, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये आप देख लेते थे कि कितनी एम्पल स्पेस है, आप अपनी नोटिंग यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। मीनिंग है, फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी दे दिया गया है, कंपैरिजन्स दे दिया है, ठीक है, प्रोसेस लॉस क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल को अलग, एबनॉर्मल को अलग, एबनॉर्मल गेन सेपरेटली एक्सप्लेन है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अलग से एक्सप्लेन है, एडवांटेज ऑब्जेक्टिव्स है ना, फिर डिसएडवांटेजेस हैं, वर्क इन प्रोसेस प्रोग्रेस को एक्सप्लेन किया है, इक्लेंट प्रोडक्शन क्या होता है उसे विथ एग्जांपल आपको सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपको मीनिंग दी गई है, फॉर्मूला है और एग्जांपल है, और फिर आपके न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, सेपरेटली आपके न्यूमेरिकल जो गिवन है यहाँ पे, देखिए ये स्पेस आपका एम्पल यहाँ पे एम्प्टी हो गया क्योंकि आप प्रोसेस के सेपरेट अकाउंट्स एंड लेजर डिटेल वर्किंग दी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिक से कवर्ड है आपका, ठीक है, और न्यूमेरिकल में भी आप ये देख सकते हैं, बेसिक ब्रैकेट्स में आपकी कैलकुलेशन दी गई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप तुरंत ही अपना समय बचा करके एक लीस्ट पॉसिबल टाइम पे जो है आप इसे कवर अप कर सकते हैं, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो मैंने कहा नेक्स्ट क्वेरी स्टूडेंट की ये रहती है कि क्या जो है ऐसा तो नहीं कि बेसिक से नहीं कवर अप कराया, डायरेक्ट जंप किया, तो आपने देख लिया कि बेसिक से कवर अप कराया गया है, मैक्सिमम पॉसिबल आपको बेस से कनेक्ट कराया के यूपीएससी लेवल तक की जो है कवरेज कराई गई है। तो आपने देखा कि एक तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट कवरेज है, अंडर वन रूफ आपका कंप्लीट सिलेबस है, ये एक बुक है, ठीक है, और क्लियर प्रेजेंटेशन है, क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल क्लियर है ताकि आपका इंटरेस्ट बन सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नोटिंग करनी है तो क्या आपको और 10 मटेरियल बनाने की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं, ये एम्पल स्पेसेस हैं, एक ही बुक को बनाना है, 10 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंडिविजुअल बुक है, तो आप अपनी एक पर्टिकुलर उस बुक के थ्रू जो है अपनी बुक को आपने पूरा कम्प्लीटली कवर अप कर लिया, हैंडी है, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आराम से अपने आप को कैरी कर सकते हैं, एक बुक कवर अप कर ली, उसका मल्टीपल रिविजन कर दिया और आप उसे सेट असाइड रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कोई पॉइंट्स लिखना है तो हर जगह पे हेडर एंड फुटर में आपको बहुत ज़्यादा ही स्पेस दी गई है ताकि कोई भी नोट्स मेकिंग के लिए भी आपको एक सेपरेट बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स ऑप्शनल में अगर आपने ये बुक रेफर कर ली तो आपको एक एम्पल स्पेसेस प्रोवाइडेड हैं ताकि आप अपनी नोट्स मेकिंग कर सकें। तो आई होप मैंने आपको ये एक बार मैं जस्ट ओवरव्यू, ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये एक सपोर्ट कर पाई जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस बुक की जर्नी से, मतलब कि बुक का प्रेजेंटेशन क्या है, क्या ये बुक ठीक है कि नहीं, क्या ये बेसिक से कवर अप है कि नहीं, एक ओवरव्यू आपको दिखा दिया। डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है, आप ऑफिसर हैं और आज ही से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और आपके लिए बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट क्या, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में कॉमर्स ऑप्शनल एक छोटा सा बात है और ये कंप्लीट सपोर्ट आपके डिफरेंट 10 बुक्स के थ्रू तो आपके साथ मैंने शेयर किया है ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग ले सकें कि आपको क्या इन बुक्स से सपोर्ट मिलेगा, क्या आप सारी चीज़ें अंडर वन रूफ गेन कर रहे हैं। बहुत सारी जो क्वेरीज आपके मन में आती हैं कि भाई ऐसा ना हो कि बुक ले ली और सिलेबस कवर अप नहीं हुआ, तो मैंने वो भी आपको दिखा दिया। दूसरा क्वेरी ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंटेशन कुछ भी दिया हो, हमें क्लियर नहीं हो रहा हो, बहुत ही हैपाजार्ड और गंदे तरीके से दिया हो, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर वे में कंप्लीट बुक के फॉर्म में आपको दिख रहा है, कोई नोट्स नहीं है, जीरोक्स नहीं है, ये कंप्लीट डिजिटल प्रिंटिंग बुक है आपके सामने, है ना। और दूसरा थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, अगर जो है
आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की प्रोग्राम्स को आप ऑप्ट करते हैं तो वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स के सेपरेटली, और थ्योरी का सेपरेटली वीडियो सपोर्ट है, तो आप उसके लिए टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट के मन में क्वेरी आती है कि वो इसे कहाँ से परचेज करें, तो हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू इसे प्रोवाइड किया है, डिपेंड्स ऑन स्टॉक अवेलेबिलिटी, क्योंकि हम लिमिटेड स्टॉक प्रिंट कराते हैं, ये डिजिटल प्रिंटिंग है एंड आप इजली मार्केट में पता कर सकते हैं कि व्हाट द कॉस्ट इट इनकर द डिजिटल प्रिंट, और कॉपीराइट का स्ट्रिक्ट जो है हमारा प्रोटोकॉल है, तो लिमिटेड स्टॉक प्रिंट होती है और उसी बेसिस में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो फ्लिपकार्ट में वो अवेलेबल है बट लिटिल बिट एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो भी क्यों है मैं आपको क्लियर करूँगी कि वहाँ पर फ्लिपकार्ट के कमीशन कॉस्ट प्लस उनका जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो वहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाता है, तो आपको वहाँ पे वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव या कॉस्टली दिखेगी। डायरेक्ट परचेज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे केवल एक ही डायरेक्ट परचेज का मोड है जो कि आपको यूट्यूब में और हर जगह आपको शेयर किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर केवल वही, और कोई सेकेंडरी मोड व्हाट्सएप पे नहीं है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब अवेलेबल है। डायरेक्ट परचेज करने पर आपको फ्लिपकार्ट की कमीशन कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट का एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी टीम की तरफ से ही होगी, आपको उसके लिए भी कॉस्ट सेपरेटली पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपकी मदद की कि आप इस बुक के बारे में डिसाइड कर सकें, और आपका ये जो सपना है यूपीएससी ऑफिसर बनने का, सिविल सर्वेंट बनने का, देश के लिए काम करने का, और वो पोस्ट पे उस गाड़ी पे घूमने का, और आपने जो भी ड्रीम सोचा हो उसमें ये एक छोटी सी कोशिश है, और आई होप आपको इससे सपोर्ट मिले। अगर कोई भी क्वेरी आपकी अनआंसर्ड रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको हेल्प की। पेपर वन की कंप्लीट एनालिसिस हो चुकी है, हम रिसेंटली पेपर टू भी आप लोग को शेयर कर देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।